राशन मिशन भी डूबे, क्या बात है। अब तक नवेद 5.1 5.2 सॉल्ड अनसॉल्ड दोनों हुए नहीं, बोलो एक एक करके। नवेद आवाज आ रही, मेरी मेरी आवाज आ रही है? चलो 5.1 और 5.2 हुए क्या? 5.1 सॉल्ड अनसॉल्ड और 5.2 सॉल्ड सॉल्ड अनसॉल्ड। फाइव पॉइंट वन तो हो गया था करीब ना, सॉल्ड तो आप निकाल ही छे, तो मतलब तेरे चार हो गए। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलो आगे नेक्स्ट कौन है? तस्लीम बोलो। 5.1 सॉल्ड अनसॉल्ड, ओके वेरी गुड, चार हो गए। कुछ प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा है ऐसा कुछ, कुछ कुछ भी एनीथिंग मतीन मैट मैट वेरी गुड। चलो मैट बोलो 5.1 5.2 वेरी गुड, क्या बात है। आप तो खुश कर दिया आप लोगों ने मेरे को, मतीन के भी चार हो गए। अनस 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 5.1 सॉल्ड अनसॉल्ड दोनों हुए, सॉल्ड अनसॉल्ड दोनों हुए अनस। यस 5.2 तो अपने सॉल्ड किए ना सब, 11-12 बाकी था सिर्फ, 11 भी आधे से ज्यादा हो गया था, 12 मैंने बोला आप कर लो ऐसी ही ऐसे। 11 5.2 तो 5.2 अनसॉल्ड बाकी है, तो आज होना चाहिए फिर मेरे को 5.2, और मेरे को भेजेंगे आप पीडीएफ। 5.2 अनसॉल्ड बाकी है और मेरे को पीडीएफ भेजेंगे आप, मेरे को पीडीएफ भेजेंगे आप। चलो आगे कौन? नेक्स्ट इज रिजा। रिजा बोलो 5.1 5.2 सॉल्ड अनसॉल्ड दोनों हुए नहीं, हुए बोलने का। कैन यू हियर मी? जल्दी बोलो सॉल्ड अनसॉल्ड हुए नहीं हुए? रिजा कैन यू हियर मी? आपको मेरी आवाज आ रही है रिजा? चलो हसन, हसन मेरी आवाज चलो आ रही है। ओके हो गए सर, चलो वेरी गुड, चार हो गए। 5.1 सॉर्ट, 5.1 अनसॉर्ट, 5.2 सॉर्ट, 5.2 अनसॉर्ट। ग्रेट, चलो नेक्स्ट हसन। H1 बोलो चार हुए क्या हसन? 5.1 5.2 सॉल्ड एंड सॉल्ड चार हुए क्या? 5.1 तो इधर ही हुआ, 5.2 सॉल्ड एंड सॉल्ड वेरी गुड, चार हो गया। किसका पर? हसन का हुसैन का? हसन का हुआ हुसैन का हुआ? H1 H2 हसन का हो गया, हुसैन का बोलो, हुसैन का बोलो, हुसैन के कितने हुए? हुसैन ठीक है, हुसैन के 5.2 के दो बाकी है ठीक है, तो मतलब अनस और हुसैन थोड़ा सा पीछे पीछे चल रहे।
अनस बहुत ज्यादा पीछे चला। देखो अनस, तुम्हारे को समझ में आ रहा होगा अभी कंपैरिजन, है ना, बैठना ही पड़ता रात को 12-12 बजे तक, 12-1-2, 12-1-2, ऐसा मेहनत करनी पड़ती बाबू। चलो रिफा, रिफा बोलो। हाँ करके मैंने ऐसा लिखा, देखो रिफा का नाम मेरे को मालूम था, बाकी ये हो गया 5.1 हुआ क्या, बोलो पहले 5.1 बाकी, 5.1 हो गया, 5. सॉल्व अनसॉल्व हो गया, 5. सॉल्व 12, मैंने 10 किए थे, 11-12 हुए क्या, मैंने कल 10 कराए थे, 11-12 किए क्या, 11वें भी आधा कराया था, तो देखो फिर अभी कैसे बराबर नमूने पीछे रह रहे ना, और शेक का स्पेलिंग गैस कैपिटल लिखा करो। बार समझाने के लिए नाम तो सही लिखा करो कम से कम। चलो अपन 5.3 की तरफ बढ़ते हैं, है ना, 5.3, 5.4, 5. बड़ा चैप्टर है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, अपने को एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एक्यूट एंगल, और अगर ऐसा रहेगा तो ऑब्ट्यूस एंगल, कौन सा लेने का उसमें बोले रहता हूँ कौन सा है, राइट। ऐसा भी लिखते कभी कभी, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स याद रखने का, ये कभी कभी आता है ये सिंबल, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर लिखते हैं और उसमें बीच में एंगल निकालने का, और अगर छोटा रहेगा लेस देन 90 एक्यूट, और ग्रेटर देन 90 रहेगा तो ऑब्ट्यूस। अब ये क्या है, माइनस ए और बी के बीच में का है, ये माइनस ए और बी के बीच में का एंगल है तो ऑब्ट्यूस आ रहा है। स्केलर प्रोडक्ट अपने को मालूम है, ए बी कॉस थीटा, वेक्टर ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, विद थीटा इज एंगल बिटवीन। चलो देखो स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला, फॉर्मूला तो देखो कम से कम, और ये नोट आ गया, इस नोट में मालूम है तुमको कितना रहेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी अपने। चलो शुरू तो करो, ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, mod a mod b cos theta, ठीक है। चलो आगे, इफ a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0, theta इज नॉट डिफाइंड इन दिस केस, a b दोनों 0 नहीं रह सकते एक साथ, एक साथ 0 नहीं रह सकते, तो अगर ऐसा रहा तो फिर a डॉट b 0 ले लेने का, theta डिफाइंड नहीं होता। चलो अगर थीटा जीरो रहेगा तो, थीटा अगर जीरो रहेगा देखो कॉस जीरो तो ए डॉट बी आ गया, और दोनों वेक्टर अगर सेम है ए डॉट ए तो ए स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। ये तीन कंडीशन मालूम है हम लोग को, जीरो रहेगा पैरेलल रहेंगे, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल एंगल जीरो डालेंगे, इफ टू वेक्टर्स आर अपोजिट पाई डालेंगे, इफ टू वेक्टर परपेंडिकुलर रहेगा पाई बाई टू डालेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट बी फॉर थीटा इज इक्वल टू जीरो, फाइव आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस ए बी आएगा अपने पड़े ये सारा इलेवंथ में, और 90 रहेगा तो जीरो आ जाएगा, फाइव बाई टू कॉस थीटा जीरो, तो ए डॉट बी कॉस थीटा, ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो आएगा। वापस ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा भी लिख सकते, बी ए कॉस थीटा भी लिख सकते, मॉडुलस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ये भी मालूम है अपने को, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट बी बी ब्रैकेट में बी प्लस सी, ए डॉट ब्रैकेट में बी प्लस सी रहेगा तो ए डॉट बी ए डॉट सी, एम ए एन बी अगर ऐसा रहेगा मल्टीप्लीकेशन तो एम एन बाहर निकाल के ए डॉट बी ले सकते, वापस एम ए बी तो एम अलग निकाल के ए बी करके, या फिर ए अलग निकाल के एम बी कैसा भी कर सकते, एम से पहले मल्टीप्लाई करो बाद में करो, पहले वेक्टर डॉट प्रोडक्ट लो या फिर पहले मल्टीप्लाई करके दूसरे को मल्टीप्लाई करके डॉट प्रोडक्ट, सारा चलेगा, स्केलर है, एम स्केलर है,
एमी स्केलर, तो सारे कैरेक्टरिस्टिक से डॉट प्रोडक्ट के। हाँ ये एक इम्पोर्टेंट है, सातवा है ना, कॉची शॉर्ट्स इनइक्वालिटी, ये इम्पोर्टेंट है। देखो कॉची शॉर्ट्स इनइक्वालिटी, एक मॉडल मॉड ऑफ ए डॉट बी, दोनों का पहले डॉट प्रोडक्ट लेने का, उसका अगर मॉडुलस लिए तो हमेशा दोनों का डॉट प्रोडक्ट, दोनों का मॉडुलस अलग रख। देखो अभी इसमें पहले डॉट प्रोडक्ट लेंगे, पहले डॉट अपन न्यूमेरिकल करेंगे तो सम आएगा, फिर भी यहाँ समझ में आ रहा, पहले डॉट प्रोडक्ट लेंगे फिर मॉड लेंगे, और यहाँ पे पहले मॉड लेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट की जरूरत नहीं ना, मॉड आ गया तो फिर नंबर आएंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये नंबर हमेशा राइट इज लेस देन और इक्वल टू, दिस नंबर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू, इसको बोलते हैं कॉची, ये इंपॉर्टेंट है, कॉची स्क्वाट्स, कॉची स्क्वाट्स इन इक्वालिटी, बहुत बार आता है सवाल कॉची स्क्वाट्स इन, क्योंकि मालूम इतने रहता ना कॉची स्क्वाट्स इन, चेक द कॉची स्क्वाट्स इन इक्वालिटी, ऐसा अगर सवाल आएगा और आपको कॉची स्क्वाट्स इन इक्वालिटी क्या है ये अगर मालूम इतने रहेगा तो कैसा करेंगे सवाल, वो डेंजर दिखता फिर ये मालूम इतने रहेगा, अरे बाबर ये क्या ऐसा लगता है, नाम थोड़ा सा डेंजर है ना। चलो ए डॉट बी उसका मॉड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू ए का अलग मॉड बी का अलग मॉड और मल्टीप्लीकेशन, ओके ओके। उसके बाद में एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, थीटा इज इक्वल टू वही है वो ए बी साइन ए बी कॉस थीटा का छे, थीटा इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो ये ए डॉट वेक्टर मॉड ए बी इधर लेके आ गया तो डिवाइड हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, लिख लो फॉर्मूला मालूम है अपने को, फिर भी ये अपने निकाले हुए भी थीटा 11 में, ये न्यूमेरिकल सॉल्व भी किए हुए, यहाँ से आगे पूरा सॉल्व सिर्फ एक थोड़ा थोड़ा जो है ना एडिशन जो नहीं क्या, थोड़े से एक 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 या दो पॉइंट ऐसे है कि जो एडिशन है, बाकी आपने 11 पे जो डॉट प्रोडक्ट डॉट क्रॉस प्रोडक्ट किए वही पढ़ने का आपने, दो पॉइंट वही है 5.3 और 5.4। चलो देखो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी, फिर नोट आए इफ जीरो इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू पाई बाय टू देन कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू सीधे सीधे आते हैं, ये जीरो लेस देन ये एमसीक्यू सीधे सीधे आते हैं और अपने को समझ भी आता, अगर जीरो और पाई बाय टू रहेगा तो कॉस की कीमत क्या रहती है ये इस पे से समझ में आता हो, कॉस इज इक्वल टू सॉरी फर्स्ट क्वार्टर में याद है वो फॉर्मूला साइन कॉस टैन, फर्स्ट क्वार्टर में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव रहते हैं बराबर, अगर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है तो अगर याद है कुछ तो बोल सकते क्या, मिडिल मंथ में आपने करे थे कॉस थीटा क्या आएगा साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा पॉजिटिव आएगा नहीं मतलब पॉजिटिव नेगेटिव तो ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो इक्वल जीरो ऐसा जैसा यस साइन जीरो ऑन एक्स एक्सिस साइन जीरो जीरो आएगा, ऑन वाई एक्सिस कॉस जीरो कॉस ना है ना, ऑन वाई एक्सिस मतलब 90 डिग्री हो गया ऐसा, ये 180 ये फाइव बीच में प्लस प्लस रहेगा, तो क्या अगर याद है तो कुछ बोलो, यूनिट वेक्टर से लेकर आर इज इक्वल टू वन लेकर आपने किए थे तो साइन थीटा इज इक्वल टू ये सर्कल निकाले थे कुछ याद है कि एक आधा फोटो है कि तुम्हारे पास, ये थीटा तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई जो वाई अपॉन एक्स, साइन थीटा इज इक्वल टू ये थीटा थीटा ये वाई है और ये एक्स है, थीटा अपोजिट अपॉन so sin theta is equal to y upon x, y भी positive x भी positive, क्या आएगा cos sin क्या आएगा हमेशा y भी positive x भी positive, sin first quadrant में हमेशा क्या आएगा पहला positive आएगा मतलब always greater than zero आएगा cos cos theta, अब ये इसको first quadrant बराबर नहीं first quadrant है ना, zero less than theta less than pi by two first quadrant है, first quadrant cos theta भी क्या था cos theta आएगा x upon y, क्या फर्क पड़ा कुछ फर्क पड़ा क्या, कोई नहीं दोनों x और y दोनों पॉजिटिव है, x और y पॉजिटिव रहेंगे तो cos की कीमत हमेशा क्या आएगी, cos की कीमत हमेशा क्या आएगी x और y पॉजिटिव, तो theta is equal to cos inverse of x upon y तो क्या आएंगे हमेशा greater than 0,
हमेशा पॉजिटिव आएंगी। तो ये देखो, दिस ए डॉट बी अपॉन ए बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। अब ये कितने है देखो, यहाँ एक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक हुआ, बाद में एट पाई बाई टू मतलब एक वाई एक्सिस पे कितने कंडीशन है देखो, बराबर ना। वाई एक्सिस पे क्या है वो तो मालूम है आपको, जीरो आएगा, जीरो आएगा ना वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे जीरो आएगा। नहीं मैं वो नवेद ने सारा लिख कर भेज दिया, वो नहीं बोलता मैं तुम्हारे, अपने जो फिगर निकाले थे ना वो फिगर, फिगर नहीं मालूम ना, एक एक सर्कल निकाले थे और उसके अंदर 50 चीज लिखे थे एक साथ, क्वाड्रेंट भी लिखे थे, साइन भी लिखे थे, कॉस भी लिखे थे, टैन सिक कोसेक कॉट भी लिखे थे, है ना, याद है क्या कुछ? वो एक बहुत अच्छा सर्कल बनाया था वो, अगर अगर कहीं गलती से अगर 11th के नोटबुक में दिखा तो मेरे को शेयर करो व्हाट्सएप पे, और शेयर करेंगे तो बोलो फिर मैं क्या करता, इधर दिखाता मैं तुमको फिर वो, है ना, बाकी बच्चों को भी समझ में आ जाएगा। बहुत जबरदस्त बनाए थे ना, अपन एक दिन पूरा लगाए थे उस सर्कल बनाने में, पूरा एक दिन पढ़ते थे, देखो यहाँ कितना काम आएगा अभी। तो अगर अगर किसी के पास है आसानी से बगैर टाइम पास किए हुए अगर मिलता है तो दो, चलो एस जीरो रहेगा तो कॉस 90, कॉस 90 जीरो रहेगा। चलो अब तीसरे क्वाड्रेंट, सॉरी सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट कैसा गिरेंगे, जीरो ना पाई बाई टू इज लेस देन थीटा इज लेस देन इक्वल टू पाई, है ना। अब ये याद रखने का, देखो इधर जीरो क्या है, एक्स एक्सिस को इक्वल लेने का हमेशा, एक्स एक्सिस को हमेशा इक्वल, लेस देन भी लेने का इक्वल भी लेने का, एक्स एक्सिस को दोनों लेने का। यहाँ पे भी जब था एक्स एक्सिस इंक्लूड करे थे, यहाँ पे भी एक्स एक्सिस इंक्लूड कर रहा है, इंक्लूसिव एक्स एक्सिस बोलते हैं इसको, इंक्लूसिव एक्स एक्सिस, वो होता ना वो फॉलो मतलब उसके लिए सेटिस्फाई होता। सो अगर सेटिस्फाई होता तो फिर तो करना पड़ेगा ना, है ना, याद रखने का। ये पूछते हो ये कंडीशंस के लिए क्या एमसीक्यू है ना, देखो ना, अरे एमसीक्यू है कि नहीं, फॉर सीधा सीधा डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, फॉर जीरो इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन पाई बाई टू व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, ऐसा पूछते रहेंगे चार क्वेश्चन, ठीक है। अब आई जे के रहेंगे तो आई डॉट आई क्या आता है वन, मालूम है आपने, आई डॉट आई मतलब एंगल कितना उसमें जीरो, एंगल जीरो में कॉस जीरो, कॉस जीरो वन, तो कॉस जीरो वन आया तो आई डॉट आई वन आएगा, जे डॉट जे भी वन आएगा, के डॉट के भी वन आएगा, ये एक कंडीशन हुई। और आई डॉट जे और क्रॉस मतलब सेम रहेगा, पैरेलल रहेगा तो जीरो एंगल तो वन आएगा, और 90 डिग्री एंगल रहेगा तो जीरो, तो ये दो। और क्रॉस प्रोडक्ट के इसका एग्जैक्टली उल्टा था, आपने को मालूम है, देखो याद आ रहा कि ये आई मैंने पूरा बहुत अच्छे से पढ़ा था, ये आई डॉट आई मतलब क्या, आई इंटू आई और कॉस थीटा, और थीटा की कीमत कितनी अगर पैरेलल है तो जीरो, कॉस जीरो की कीमत कितनी वन, तो आई की कीमत कितनी, यूनिट वेक्टर है ना, आई मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वन इंटू कॉस जीरो भी वन, तो आंसर कितना आ गया, आई डॉट आई का आंसर कितना आया वन आया, जे डॉट जे का भी सेम वन आएगा, के डॉट के का भी सेम वन आएगा। दूसरा अगर परपेंडिकुलर रहेगा आई सॉरी आई डॉट जे, आई डॉट जे, आई डॉट जे अगर रहेगा तो सिर्फ क्या बात देगा, आई इंटू जे इंटू कॉस 90, कॉस 90 की कीमत जीरो, ये कुछ भी रहा तो भी इसकी आई डॉट जे की कीमत जीरो आएंगी, वैसे आई डॉट के की भी जीरो आएंगी, और के डॉट जे की भी जीरो आएंगी, जे डॉट की भी जीरो आएंगी, राइट। ठीक है, और एक्यूट एंगल क्या है, राइट एंगल मतलब क्या, और ऑब्स्ट्रूस एंगल क्या है, वो बता रहे हैं अपने। चलो ये नोट्स लिखने क्या लिख के रखने के सॉरी काम आते हो, तो स्केलर प्रोडक्ट अगर पूरा वेक्टर लिखे तो स्केलर प्रोडक्ट क्या आएगा, ये चीज नहीं आ गई, ये सब वहाँ में तो नहीं था, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, तो ए का तो ए डॉट बी निकाले होंगे कितना आया, ए वन इंटू ए, ये मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं, जरूरत नहीं, देखो इसका इसका मल्टीप्लाई करो, ए वन बी वन है ना, और आई डॉट आई बस उतना चलेगा, आई डॉट जे जीरो आएगा तो ए वन बी टू जीरो आ जाएगा, ए वन बी थ्री भी जीरो आ जाएगा, क्यों ए वन बी थ्री और आई डॉट के हो जाएगा, और आई डॉट के मतलब जीरो है ना, आई डॉट के मतलब जीरो, या के डॉट आई भी जीरो, आई डॉट के आर के डॉट है। अब दूसरा दूसरा कौन सा बचेगा, सिर्फ जहाँ जे है वो बचेगा, मतलब सिर्फ कहाँ बचेगा ये वाला, तो बी ए टू बी टू बचेगा,
बराबर के देखो, ए टू बी टू बचेंगे, बाकी जीरो आएंगे। और यहाँ पे क्या बचेगा, ए थ्री बी थ्री, यहाँ पे के है वो बचेगा, बाकी मल्टीप्लीकेशन जीरो आएंगे। नाइन टर्म्स बचेंगे, नाइन टर्म्स में से ये देखे थे अपन ने, नौ टर्म्स एक के नीचे के लिखे थे, नौ टर्म्स में से तीन टर्म्स बस थे, राइट। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी ए बी, ए वन बी वन, ए टू बी टू, कॉस थीटा। मॉड कैसे निकालते हैं मालूम है अपने को, अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, राइट। चलो प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन भी आपने किया हुआ है, प्रोजेक्शन भी आपने किया हुआ है ना वो चैप्टर में, मेन तो प्रोजेक्शन तो था, वेक्टर प्रोजेक्शन तो था वो चैप्टर में मेन, है ना, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वर्टिकल प्रोजेक्शन। अगर ये बी का है, अगर नीचे लेंगे तो बी कॉस थीटा आएगा, वो ये ना अपना सामने सामने की साइड मैं बनाता हूँ, क्या ये आर है और इसको आर बोलेंगे सब, फॉर एग्जांपल आर, तो आर इज इक्वल टू क्या आएगा, सॉरी ये इसको ए बोलेंगे, है ना, ए इज इक्वल टू क्या आएगा, देख आर अपॉन ए कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा इज इक्वल टू इधर है, तो R अपॉन बी, R अपॉन बी, तो R कितना आएगा, बी कॉस थीटा, ये कितना आएगा, अभी R तो नहीं, A ले रहे अपन, A अपॉन बी आएगा, बी कॉस थीटा, है ना, समझ में आ रहा क्या, क्या नहीं समझ में आ रहा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट बस इतना, पर किधर क्या रहेगा तो निकालने का आराम, अब वापस निकल चलो जाते निकालते अपन, देखो cos theta is equal to, cos theta is equal to, वापस लिखता PQ में लिखता तो आराम से समझ, cos theta is equal to opposite side upon hypotenuse, opposite side is RM, RM upon hypotenuse, cos theta, sorry क्या हो रहा, गलती हो, sin theta is equal to sin theta is equal to rm upon hypotenuse, बराबर, तो अपने को cos theta मिलता है, sorry horizontal is equal cos theta is equal to adjacent upon hypotenuse, बराबर, अभी cos theta मालूम है, adjacent side कौन थी, pm, adjacent side pm upon hypotenuse कितना, b, vector b, बराबर ना, तो pm कितने आएगा बोलो, PM is equal to B cos theta, आया कि नहीं, तो horizontal हमेशा cos theta आता, horizontal component हमेशा cos theta आता, horizontal component हमेशा cos theta, अपन ये इसमें भी देखे, वो अपने physics के circular, physics के पहला chapter, है ना, जिसमें वो banking of road और वो फिर pendulum और conical pendulum और उसका जो resolution निकाल रहे थे, तो gravitation भी देखे, बराबर ना, तो अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसी फिगर अगर है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा बी कॉस थीटा आता है, वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा ही है, विल बी ऑलवेज बी साइन थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट विल बी ऑलवेज बी साइन थीटा। चलो अभी आपने को कॉस थीटा क्यों लेने का, जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा है, इसलिए सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट, सो स्केलर प्रोजेक्शन, इसलिए स्केलर प्रोजेक्शन बोलते हैं इसको, स्केलर प्रोजेक्शन मतलब क्या, सिर्फ इन टर्म्स ऑफ कॉस, तो स्केलर प्रोजेक्शन बी ऑन ए मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या, ए डॉट बी अपॉन ए, ए डॉट बी अपॉन ए स्केलर प्रोजेक्शन मतलब वेक्टर अपॉन, कैसा आएगा देखो, ये ए इज इक्वल टू पी एस, ए इज इक्वल टू पी एस, सो बी कॉस थीटा, पी एस मतलब बी कॉस थीटा, पी एम भी बोले तो चलेंगे, पीएम ही बनता ना, पीएम पीएस एस तो ही नहीं इसमें, पीएम पीएम मतलब कितने हैं, बी कॉस थीटा, देखो पीएम बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, ठीक है, अभी
क्या करें, ए से डिवाइड और मल्टीप्लाई करें, ए से मल्टीप्लाई भी करें डिवाइड भी करें बी कॉस थीटा इसको, तो क्या हो गया ए बी कॉस थीटा अपॉन ए। अब ए बी कॉस थीटा मतलब क्या, ए डॉट बी है ना, देखो ए डॉट बी और ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ए। तो ये फॉर्मूला स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए, बी ऑन ए, बी ऑन ए स्केलर प्रोजेक्शन। और वेक्टर प्रोजेक्शन क्या था, मैं बोला साइन थीटा, वेक्टर मतलब साइन थीटा, तो क्या आया वेक्टर पोजीशन, क्या आएगा वेक्टर पोजीशन। आप ये न्यूमेरिकल भी ज्यादा अच्छे से देखेंगे वेक्टर पोजीशन, जब अपन सॉल्व करेंगे वेक्टर पोजीशन तब भी देखेंगे, क्या आएगा ये ए डॉट बी, तो ए डॉट बी तो है ही, और ए अपॉन मॉड ए स्क्वायर, ए अपॉन मॉड ए स्क्वायर पीएम यूनिट वेक्टर ए, फिर ये इज यूनिट वेक्टर, ये मतलब ए डॉट बी अपॉन ए यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर क्या फर्क है इसमें और इसमें, सिर्फ यूनिट वेक्टर आया, यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं मॉडुलस अपॉन वेक्टर अपॉन मॉडुलस, तो वेक्टर अपॉन मॉडुलस आने से नीचे ए स्क्वायर हो गया, और एक मतलब ये ए डॉट बी सेम सिर्फ इसका स्क्वायर हो गया और वेक्टर ए से मल्टीप्लाई, चलो डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन को यहाँ से आगे के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है बहुत, ये एक साथ अपन लिखेंगे टॉपिक, टॉपिक लिखेंगे बोर्ड में, टॉपिक टॉपिक टाइटल इंडेक्स छोटी इंडेक्स बनाएंगे, छोटी इंडेक्स छोटी लिखो डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस, छोटी इंडेक्स डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस छोटी इंडेक्स। उसके बाद में डायरेक्शन रेशियोज तीसरा, डायरेक्शन रेशियो तीसरा, डायरेक्शन ये कंफ्यूजन हो जाता है, डायरेक्शन रेशियोज बराबर, डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज, तीन चीजें एक साथ हो, डायरेक्शन डायरेक्शन तीनों में रहता, कोसाइन एंगल और रेशियोज उतना ज्यादा करने का, कोसाइन एंगल और रेशियोज। और ये कोसाइन और एंगल की चीज देखो ज्यादातर ये है अल्फा वगैरह निकालो, ये अल्फा मतलब वो देखो डायरेक्शन रेशियो वो ज्यादा प्रॉब्लम है ना, देखो है ना वो ज्यादा प्रॉब्लम है। और ये फिर प्रूफ है, एक दो प्रूफ है, ये प्रूफ तो देखेंगे अपन न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे। मतलब क्या हुआ, अपन ने अभी जो पढ़े इसमें क्या क्या पढ़े, 5.3 में क्या क्या पढ़े, 5.3 में क्या क्या पढ़े छोटी इंडेक्स, 5.3 में क्या क्या पढ़े डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट उसके बाद में डॉट प्रोडक्ट, और उसके बाद में ये कितने फॉर्मूले, चार फॉर्मूले डॉट प्रोडक्ट, इसका मतलब एंगल बिटवीन डॉट प्रोडक्ट, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट, दूसरा पॉइंट डॉट प्रोडक्ट, फिर उसके बाद में डॉट, फिर ये सात रूल्स है उसके डॉट प्रोडक्ट के, चलो वो भी प्रॉब्लम है इसमें। और एक क्या देखिए कॉची स्कॉट्स इनइक्वालिटी वो भी देखिए, फिर ये हो गया थीटा इज इक्वल टू, उसके बाद में ये भी हो गया आई जे के, फिर प्रोजेक्शन आपने देखे ठीक है, एंगल देखे प्रोजेक्शन। और ये दो फॉर्मूले स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए एंड वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, दोनों भी सेम, बी ऑन ए जे, ए ऑन बी नहीं बी ऑन ए जे, तो ए डॉट बी अपॉन ए, बी ए डॉट ए, स्केलर प्रोजेक्शन, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए डॉट ए ऑन बी क्या आएगा, यहाँ पे बी आएगा सिर्फ ऑन किसका, किसके ऊपर स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, बी ऑन ए ना, बी का, बी का ए के ऊपर स्केलर प्रोजेक्शन नीचे तार, राइट दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड राइट। चलो ये पढ़ेंगे तीनों डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस, द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स ए, द डायरेक्शन एंगल्स of non-zero vector, vector A are the angles alpha, beta and gamma, direction angles, direction angles alpha, beta, gamma, और इसकी रेंज क्या है 0 to pi, that A makes, मतलब क्या
ए किसके साथ एंगल करा, एक्स वाई जेड के साथ, जो एक्स वाई जेड के साथ जो एंगल करेगा, अभी निकालेंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस निकालें, और ये वेक्टर है कोई ए, थ्री डायमेंशनल में इसको देखो, थ्री डायमेंशन में ये वेक्टर ए है, तो एक्स के साथ कितना एंगल बनाता, वाई के साथ कितना एंगल बनाता और जेड के साथ कितना एंगल बनाता, इसको बोलते हैं अल्फा बीटा एंड गामा, और इसकी कीमत कितनी रहती, बिलोंग्स जीरो और पाई के बीच में रहती, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकते है ना, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकती उसकी कीमत। दो तो पाई बाय टू के बीच में चलेंगे, तीसरा पाई के बीच में जा सकता है, चलो वो देखते हैं अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे इसमें जितना समझ में आएगा वैसे देखेंगे। तो डायरेक्शन एंगल्स समझ में आया क्या, किसी भी वेक्टर ने एक्स वाई जेड के साथ जो एंगल बनाए उसका सिंबल अल्फा बीटा गामा भी याद रखना पड़ेगा, लिख के रखो, ये लिखो, ये लिखेंगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा, डायरेक्शन एंगल्स इधर की याद रखना, ये सेंटेंस लिख के रखो, ये लिखेंगे ना तो थोड़ा सा याद है, अल्फा बीटा गामा और 0π/2 के बीच। है सिंपल, पर तीन एक जैसे नाम रहने से कंफ्यूजन हो जाता है, बस उतना चाहिए, पढ़ना जरूरी है सिर्फ, ये सारी चीजें है ना इसमें है ना, मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री वो चैप्टर है ना, दिल लगा के पढ़ लिया ना तो ना तो तुमको टीचर की जरूरत है, ना बायजूस की जरूरत है, ना आकाश की, ना किसकी जरूरत, हाँ पढ़ना जरूरी है, जो नहीं समझ में आया डाउट्स पूछने के गूगल पे देखने। चलो द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स, ये आर द एंगल्स अल्फा बीटा गामा वेयर गामा एंड वेयर दीज ऑल आर बिलोंग्स टू 0 to π, दैट मेक्स ए ए मिक्स विद दी पॉजिटिव एक्स वाई जेड एक्सिस, पॉजिटिव पॉजिटिव एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, एक्स भी अभी मैंने निकाला था ना फिगर, एक्स वाई जेड पॉजिटिव लेने निगेटिव की तरफ, नहीं ये वेक्टर है तो ये वेक्टर का ये निगेटिव एक्सिस के साथ नहीं देखने कितना आ रहा, नहीं वो तो ज़्यादा हो जाएगा ना निगेटिव एक्सिस के साथ, ये 90 और ये बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, चलो पॉजिटिव एक्स वाई जेड के साथ पॉजिटिव, तो वही कभी कभी पॉजिटिव निगेटिव वो भी कुछ रहता है, ठीक है। द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ नॉन जीरो वेक्टर ए आर एंगल्स अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू 0 to π बाय रेंज 0 to π बाय दैट ए वेक्टर ए मिक्स विद पॉजिटिव एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अब इसका अगर कोसाइन लेंगे तो उसको डायरेक्ट कोसाइन से कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉमा आर कॉल्ड एज डायरेक्शन कोसाइन लिख लो, और इसको शॉर्ट फॉर्म में डीसीएस बोलते हैं, डीसीएस डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन साइंस डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन भी समझ में आए और डायरेक्शन एंगल भी समझ में आए, अल्फा बीटा गामा को डायरेक्शन एंगल भी बोलते हैं और कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है अभी वो उसका फॉर्मूला अगर एक आई के लिए बता रहे, आई के लिए, आई के लिए सिर्फ आई के लिए निकालते, आई के लिए वैसा सॉरी अल्फा अल्फा के लिए निकालते, अल्फा के लिए निकाल रहे हैं वैसे बीटा के लिए भी निकाल सकते हैं, रिपीट करेंगे तीन लाइन तो बीटा के लिए निकलेगा, रिपीट करेंगे तीन लाइन तो गामा के लिए निकलेगा। अल्फा इज एंगल बिटवीन आई यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस ऑफ ए, ए वन आई ए टू जे ए थ्री के, देन एज अल्फा इज एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर आई आई अलोंग एक्स एक्सिस, अल्फा इज एंगल बिटवीन आई एंड दिस वेक्टर। अभी क्यों आई क्यों बोलते देखो, अभी आई क्यों लिखते हैं, अभी आई किधर रहेगा मेरे को बोलो, एक्स एक्सिस तो वेक्टर नहीं है, इसमें वेक्टर कौन सा एक्चुअली आई है जो अलोंग एक्स एक्सिस है, मतलब सेम इस डायरेक्शन है ना, और ये ए है तो इन इंस्टेड ऑफ टॉकिंग एक्स एक्सिस वो किसके बारे में बोल रहे, आई के बारे में बोल रहे, क्यों, क्योंकि आपने को इन टर्म्स ऑफ आई मिलते वेक्टर आई जे के, तो ये वेक्टर ए है
और ये वेक्टर आई है, ये दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको अल्फा बोलते हैं, जे के और ए के बीच में जो बनेगा उसको बीटा बोलेंगे, के और ए के बीच में जो बनेगा उसको गामा बोलेंगे। सो सिंपल, एक्स वाई जेड के जगह पे आई जे के बोल रहे हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो कॉस अल्फा क्या है अपने को मालूम है, कॉस अल्फा एंगल है, दो वेक्टर है, आई वेक्टर, क्यों आई लिए समझ में आया, एक्स को वेक्टर नहीं बोल सकते, तो दो वेक्टर के बीच में का फॉर्मूला अपने को मालूम है, डॉट प्रोडक्ट लिए, ये आ गया देखो, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए डॉट आई अपॉन मॉड ए आई। सो ए की कीमत डाले ए वन आई, ए टू जे, ए थ्री के, है ना। अब ये ए मतलब ये एक्स रहेगा तो ए बी सी आता, ए रहेगा तो ए वन ए टू ए थ्री आता, याद रखने का ये बात। यहाँ पे अगर एक्स पी क्यू ए ऐसा कुछ दूसरा रहा तो उसमें एक्स वाई जेड की कीमत चेंज होती, और अगर वेक्टर ए रहा ऐसा छोटा नहीं स्मॉल में, अपने देखे थे वो स्मॉल वेक्टर, उसमें ए वन ए टू ए थ्री आता आई जे के, इन टर्म्स ऑफ दिस विल बी रिटन इन टर्म्स ऑफ आई जे के, ठीक है याद रखो सिंबल था, सिंबल था याद, जब तुम सॉल्व करेंगे तो याद रखते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए डॉट आई, अब ये लिख दिए ए वन आई इन टू आई, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा देखो आई डॉट जे ये जीरो हो जाएगा, डॉट करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ आई डॉट आई बचेगा, तो आई डॉट आई इज वन, तो ए वन अपॉन ए ये बचा सिर्फ, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए वन अपॉन मॉड ए, सिमिलरली कॉस बीटा इज इक्वल टू ए टू अपॉन मॉड ए, और कॉस गामा इज इक्वल टू ए थ्री अपॉन, कौन सा बचेगा सिर्फ ए थ्री बचेगा, है ना, क्योंकि डॉट के आएगा ना, है ना, कॉस गामा के आएगा, कॉस बीटा जे आएगा, डॉट जे आएगा, तो सिर्फ जे बचेगा, where a is equal to अपने को मालूम है mod a is equal to a1 plus a under root a1 square plus a2 square, तो formula is equal to ऐसा लिखने का पूरा a1 upon under root a1 square plus a2 square plus a3 square, क्या आ रहा, क्या का formula आ रहा, cos alpha मतलब direction cosine से DCS के formula आ रहे तीन, cos alpha cos beta cos gamma, अब उसके लिए दो formula है a1 upon mod a या फिर a1 upon under root a1 square plus a2 square plus a3 square, ये cos beta is equal to a2, है ना, a2 upon a1 square plus a2 square plus a3 square, या cos gamma is equal to a3 upon under root a1 square plus a2 square plus a3 square, done, ये formula लिखो, direction cosines alpha beta gamma का क्या है, cos लेने का, और ये formula alpha beta gamma का cos लेने का, और ये formula, चलो नेक्स्ट।